कुछ थे उस्ताज़े गिरामी प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद यासीन जफर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को, जो हमारे सरपरस्त भी हैं, सरबरा भी हैं और नाज़िमे आला वफ़ाकुल मदारिसा सलफ़िया पाकिस्तान है, अल्लाह ताला उस्ताज़ी को इसी तरह मुस्कुराता रहे और इसी तरह ताबिंदा रखे। अल्लाह ताला इनके चेहरे के नूर को हमेशा सलामत रखे, कभी कोई दुख करीब ना आए। मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर चौधरी यासीन जफर साहब से गुफ्तगू के लिए। ठीक ही सी, उत्थे उत्थे ठीक सी, बहुत उच्चा हो गया, बस ठीक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वाला आलिही व सहबिही वबारक वसल्लम। अम्मा बाद, फऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाह अहदा। इज़्ज़त माब जनाब शेखुल हदीस हाफिज़ मसूद आलम साहब, उलमा व मशायख, बहुत ही काबिले कदर हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले तो मैं इस मस्जिद की तामीर मकम्मल होने पर यहाँ के मुंतज़मीन मुअस्ससीन और इस पर ये अपने माल से ख़र्च करने वाले उन तमाम अहबाब को और ख़ुसूसन अज़ीज़ुल क़दर कारी अज़ीम अख्तर साहब को दिल की यतहा ग्राहियों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को आप तमाम हजरात के लिए जन्नत में जाने का सबब बनाए। ये बहुत ही एक ख़ूबसूरत जज्बा है मसाजिद की तामीर करना और इसके लिए अपने माल को वक़्फ करना बहुत ही काबिल कदर है। इंशाल्लाह इस मौजू पर आपके सामने अभी मोहतरम शेखुल हदीस हाफिज़ मसूद आलम साहब गुफ्तगू फरमाएंगे, पंदो नसे करेंगे, इंशाल्लाह हम सब सुनेंगे। मैं सिर्फ दो बातें गुजारिश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये मस्जिद जितनी भी हैं जहाँ भी बनती हैं कोई शक नहीं है अजर व सवाब का बायस होती हैं और इसमें इंशाल्लाह हर शख्स जिसके दिल में दीन की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है, कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर डालता है। लेकिन महज़ इन्हें इबादत तक महदूद रखना कि पांच वक्त नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद ताले लगा दिए, ये बड़ा अजीब एक रवैया है। मेरे ख़्याल में मसाजिद की तामीर और उनके मकासद ये इससे ज़रा मुख्तलिफ़ है। पूरी इस्लामी तारीख़ अगर देखें
तो जहाँ कहीं भी मुसलमान गए उन्होंने मस्जिदें बनाई, लेकिन इन मसाजिद को उन्होंने जहाँ अपनी इबादतगाह बनाया वहाँ तालीमी मरकज़ भी बनाया, तरबियत का मरकज़ भी उनको बनाया। बल्कि यही नहीं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ के लोगों की इस्लाह फरमाते, उनके मसाइल सुनते, उनकी मदद करते और जो उनके दरमियान कुछ चीज़ें होती उसके फ़ैसले भी करते। हत्ता के बड़े से बड़े मशवरे भी आपने मस्जिद में बैठ के किए और एक इनकलाबी काम जो उस माशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अंजाम दिया उसके लिए मस्जिद को उन्होंने मरकज़ बनाया। ये मस्जिदें हर दौर में इसी तरह किरदार अदा करती रही हैं और इनसे वाबस्ता लोग हमेशा इसका फ़ायदा भी उठाते रहे। आज भी बहुत सारी मस्जिदों में ये काम तो हो रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बड़ी से बड़ी मस्जिदें, खूबसूरत से खूबसूरत मस्जिदें दुनिया जहाँ की, वहाँ ज़रूरतें मौजूद हैं, सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन नमाज के बाद ताले लग जाते हैं और फिर नमाज के वक़्त ही खुलते हैं। देखिए मस्जिद अपनी एक हैबत रखती है, मुसलमान अपने मामलात अगर इसमें आके हल करें तो ये इस माहौल में आके उनमें ख़ुसूसी किस्म की तब्दीली होती है। जैसा आप देखें हमारे समाज में अगर कोई झगड़ा कहीं होता हो ना तो आप कहें चलें जी थाने चलते हैं वहाँ जाके बात करें, तो आप उन लोगों के चेहरे देखें, चेहरे उतर जाते हैं जब उनके सामने थाने की बात आए कि थाने में जाके बात करें। वजह क्या है कि थाने का एक ख़ास माहौल है, वहाँ जाके बात करना और एक बाज़ार में खड़े होके बात करना, किसी की हवेली में बात करना, ये और बात। बेअन ही आप देखें मस्जिद का एक ख़ास माहौल, बड़ा मुकद्दस माहौल। हमारे कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाले भी ये समझते हैं कि मस्जिद में जाके मैंने झूठ नहीं बोलना, वहाँ जाके ऐसा नहीं करना, इसलिए कि उसके दिल में खौफ होता है अगर वहाँ भी जाके मैंने कोई गलत बात कही तो मेरा मुआवजा हो सकता है, मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से पकड़ आ सकता है। इसलिए ये मस्जिदें जो होती हैं ना, इनको इन मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बहुत सारी मसाजिद में हमने देखा है कि इलाके में अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है, झगड़ा होता है, तो मामलात वहाँ ले जाते हैं। कोई वक्त था लोगों की खुशियाँ भी और उनकी गमियाँ इन मस्जिदों के साथ वाबस्ता होती थी, लेकिन आज सारी चीज़ें मस्जिदों से निकलकर कुछ और जगहों पर चले गई। नतीजा ये है ना उसमें खैर है ना उसमें बरकत है, कोई चीज़ नहीं। अब शादियाँ हैं वो मैरिज हालों में हो रही हैं और वहाँ क्या कुछ होता है, क्या उसका तसव्वुर यहाँ मस्जिद में हो सकता है? जो कुछ वहाँ होता है मस्जिद में नहीं हो सकता। बड़ी सादगी के साथ जो वहाँ एक शादी पर खर्च होता है यहाँ 10 शादियाँ उसके मुकाबले में हो सकती हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल हमने खुद ही इसके दरवाज़े बंद कर रखे हैं। ये मैं इस मौके पर आप तमाम हजरात को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग एक दीनी जज्बा रखते हैं और मस्जिदों में आने वाले सारे दीनदार ही होते, कम अज़ कम आप तो अज़म करें, आप तो अहद करें कि हम अपने तमाम मामलात तालीम के हों, तरबियत के हों, इस्लाह के हों, खुशियों हों, गमियाँ हों, उनको हम अपनी मस्जिदों के साथ वाबस्ता रखेंगे और यहाँ आके अपने सारे मामलात करेंगे। आपके इलाकों में बड़ी अच्छी अच्छी मस्जिदें मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल में लाइए, वहाँ हर चीज़ मौजूद होती है, ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, एक तबका ऐसा है अगरचे इस वक्त वो मस्जिद में मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है वो, और वो आता भी नहीं है मस्जिद में, जो बज़ाहिर मुसलमान है और अपने इस्लाम का दावा भी करते हैं, लेकिन इस बात का वो इजहार भी साथ करते हैं कि ये मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी मस्जिद है, आप यही पैसा किसी गरीब को दे दें वो पेट भर ले, वो कारोबार कर ले, वो खाना खा ले, किसी भूखे को खाना खिला दें, इससे बेहतर मस्जिद बनाना, ये तसव्वुर पाया जाता है। मैं अब चूँकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है आपका उनसे वास्ता पड़े, कम से कम आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठा दूं कि अगर कोई आदमी इस तरह की बात करे तो उससे आप अर्ज़ कर सकते हैं कि भाई ये मस्जिदें महज इसलिए नहीं है कि वहाँ इबादत की जाए, बल्कि कोई ज़माना था, अब भी है, अब भी बाज़ मस्जिदों में, कोई ज़माना था हर मस्जिद के साथ बैतुल माल होता था
और वो बैतुल माल इसलिए होता था ताकि उन इलाके के गरीब लोगों की मदद की जाए, गरीब लोगों की मदद की जाए। पहले वक्तों में हमने देखा है कि अगर किसी गांव में मेहमान आ जाता और वो उस गांव में उसको कोई जानने वाला ना होता ना, तो मस्जिद में ही आता और माशाल्लाह एक घर से नहीं बीसों घर से उसके लिए खाने आते थे, मस्जिद में उसके लिए आराम की जगह होती थी। ये ज़माना कुछ दूर की बात नहीं है, बहुत करीब का ज़माना है जो हमने देखा, बैतुल माल होते थे उसके ज़रिए से। अब दूर की बात क्या करें, अभी करीब की देखें। सैलाब आया है, सवात में आया, बलूचिस्तान में आया, सिंध में आया, हमारा जनूबी पंजाब जो है वो सैलाब से मुतासर हुआ। आप सच्ची बात है, आप बताइए कि सबसे ज़्यादा उनकी मदद के लिए जो फंड जमा हुए कहाँ हुए? मस्जिदों में हुए, मस्जिदों में हुए। उलमा की अपील पर, खुतबा की अपील पर लोगों ने दिल खोल कर पैसा भी दिया, सामान भी दिया। सबसे ज़्यादा पहले वक्तों में, यानी जो सैलाब जब आया, सबसे पहले काफ़िले जो वहाँ पहुँचे मदद के लिए कौन थे? वो यही मस्जिद के इमाम थे, कुर्रा थे, हजरात थे, उलमा थे, खुतबात, और मस्जिदों से लेके ये सारी मदद गए। इसलिए ये तसव्वुर बहुत ही गलत है कि आप ये भूखों को खाना खिला दें मस्जिद ना। ओ भाई, मस्जिद तो उनके परवरिश का, उनकी कफालत का ज़रिया है, क्यों ना बनाए हैं मस्जिद। और फिर ये उन बच्चों के लिए जो अहले इलाका होते हैं, उनके बच्चों के कुरान की तालीम का ज़रिया है, और यहाँ तरबियत होती है, कुरान की तालीम होती है, खुतबे होते हैं, दरस होते हैं। आप हजरात को जो दीन की थोड़ी बहुत समझ आती है वो इन्हीं मस्जिदों से तो आती है। इसलिए ये मस्जिदें अपने मकाम पर इस माशरे में बड़ी अहमियत रखती हैं। मैं ये समझता हूँ ये मस्जिद यहाँ कायम होगी, इर्द गिर्द के माहौल में इंशाल्लाह ये एक इनकलाब बरपा करेगी। यही मस्जिद, इसके ज़रिए से इंशाल्लाह इस पूरे इलाके की इस्लाह भी होगी, और सिर्फ दीनी उनकी ज़रूरत नहीं पूरी करेगी, बल्कि मैं मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये अर्ज़ करूँ, उनकी तालीम की ज़रूरत भी पूरी करें और उनकी दीगर जो ज़रूरियात हैं उसका भी ख्याल रखें। इस मस्जिद को उसके लिए ज़रिया बनाएं। अल्लाह ताला मुझे और सबको इस नेकी में शामिल करे जो ये मस्जिद बनी है। रोज़े अव्वल से हमने इसका, इसकी तासीस में भी शामिल हुए, आज उसकी दुआ में भी हम शामिल हैं। अल्लाह हमें भी उस फ़रिस्त में शामिल कर ले जिस फ़रिस्त में यहाँ के बानियान हैं, यहाँ के बाकी लोग हैं। अकूल कौली हादा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम। शेख मोहतरम, मस्जिद का जो मॉडल है उस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, हज़रत का इस बारे तफसीली खिताब भी है और आर्टिकल भी है कि एक मस्जिद को, एक बंदे को ये समझना चाहिए, गरीब आदमी को, कि मेरी वहाँ रूहानी ज़रूरतें भी और अल्लाह जिस्मानी ज़रूरतें भी। इस तरह मैंने जुमे में कहा कि यहाँ आके बंदा अल्लाह से मांगे तो अल्लाह उसे सारा कुछ ही अता फरमा देता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे उस अज़ीम मोहतरम को, इंतहाई मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे तरीन बात की हम सबको, या यहाँ जो मुंतज़मीन बैठे हैं, अल्लाह हम सबको इस पर गौर करने की तौफीक दे। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मसरूफ़ तरीन वक़्त में से बुनियाद के लिए भी जब दावत दी, हज़रत तशरीफ़ लाए शेख मोहतरम से यदि मुफ्ताज़ी हज़रत हाफ़िज़ मसूद आलम सामतान अल्लाह बतूली हयाती, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए। हज़रत की गुफ्तगू से ये सात पारक है जहाँ ख़वातीन हैं, मैं ख़वातीन से अब ये माजरत कर सकता हूँ और दूसरा उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। रात ठंडी हवा चल रही थी, पता ही नहीं था कि गर्मी शदीद हो जाएगी, तो उनके लिए कनोपी का इंतज़ाम नहीं हुआ। अब सिर्फ दो काम है, एक ये कि माजरत करूं और दूसरा उनके लिए दुआ करूं। ए अल्लाह इस गर्मी को सबब बना जहन्नुम की गर्मी से बचने का। तो मैं, हाजी अकरम साहब तशरीफ़ लाए हमारे शेख कुल्लू निज़ाम मस्जिद मुहम्मदी के नाज़िम आला हैं, जब ये काम का आगाज़ किया तो इसमें ये बड़े मोहब्बत के साथ इसकी तामीराती जो ज़िम्मेदारी है, आमर भाई ने कहा कि अगर आई साहब आप ज़िम्मेदारी देंगे तो मैं शुरू करवाने के लिए तैयार हूँ। तो हाजी साहब ने माशाल्लाह हाँ की, कल की बात है, आज अल्लाह ने यहाँ इतना बड़ा मरकज़ बना दिया। मैं हज़रत हाफ़िज़ साहब को ये गुजारिश करके दावत दूंगा कि ये अल्लाह का जो घर है, मोहतरम जनाब शेख आमर रहमान साहब की वालदा मरहूमा जिनका नाम अरशद बेगम था, ये उनका सदका जारी है। अल्लाह ताला उनके लिए इसे तोशाए आखरत बनाए। सन 2013 में वो दुनिया से चली गई, और एक हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए तो क्या उनके जाने के बाद भी कुछ काम मैंने करने? फरमाया, हाँ चार काम तूने करने। नंबर एक, अद्दुआ लहुमा, तूने उनके लिए दुआएँ मांगनी है।
नंबर दो वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, उनके गुनाहों की मुआफ़ी तूने मांगनी। दुआ में ये होता है अल्लाह दर्जात अता कर दे, अल्लाह उन्हें बुलंदियाँ दे दे। इस्तिग़फ़ार में ये होता है कि अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी, और ये भी आ सकता है कि अगर उन्होंने किसी इंसान के साथ कोई ज़्यादती की उससे जाके मुआफ़ी मांगनी। नंबर तीन इकरामु सदीकी ही मांग, अपने माँ बाप के दोस्तों का इकराम करना, ये उनके जाने के बाद हक है। नंबर चार इनफाजु अहदी ही मांग, मेरे से अभी तेरे माँ बाप के दिल में कोई नेक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, जो उसे पूरा नहीं कर सके तो तू उसे पूरा कर, अल्लाह ताला तुझे तौफीक देगा। ये मार्केट मोटर मार्केट में जिंदा मिसाल है कि एक शख्स, उसके दिल में मस्जिद की ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह का घर बनाऊँ, लेकिन जब वो फौत हुआ मकरूज था, बेटों ने कहा अल्लाह हमें तौफीक दे, हमने अपने बाप का कर्ज भी उतारना है मस्जिद भी बनानी। लोगों ने देखा कि जिस मार्केट में दुकान किराए पर थी अल्लाह ने मार्केट उन्हें दे दी, उस मार्केट में उन्होंने मस्जिद बनाई अपने बाप के नाम पर, जामे मस्जिद सादक उसका नाम रखा। मैं उसके इफ्तिताह में गया तो मुझे वहाँ उन्होंने बताया, सच्चे दिल से इंसान अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं। गुफ्तगू के लिए मैं दावत दूंगा उस्ताज़े गिरामी उस्ताज़े मोहतरम हज़रत हाफ़िज़ मसूद आलम साहब हाफिज़ाहुल्लाह ताला को तशरीफ़ लाएं। हज़रत की गुफ्तगू के बाद हम वहाँ पट्टी नसब करेंगे और दुआ होगी। الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فضيله ما अल-अख़ुल करीम शेख मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहब और फ़ज़ीलत माब उलमाए किराम कुर्राए इज़ाम और अहबाबे गिरामी हज़रात व ख़वातीन सामईन व हाज़रीन किराम, वाक़ियतन बहुत ही खुशी मसर्रत शादमानी और फ़रहत के ये लम्हात हैं। अल्लाह के हुजूर हम सर बसुजूद और सरापा तशक्कुर व इम्तिनान है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसकी तौफीक और जिसके एहसान से नेक काम सरंजाम पाते हैं और पाया तकमील तक पहुँचते हैं। वाक़ियतन कल की बात है कि यहाँ इकट्ठे हुए थे बुनियाद की ईंटें रखने के लिए और आज ये माशाल्लाह इमारत खड़ी है और इन मुनव्वर चेहरों के साथ ये माशाल्लाह अल्लाह का घर भरा हुआ है। ऐ अल्लाह जिस तरह हम तेरे घर में यहाँ जमा हैं, ऐ अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देकर तुझसे मांगते हैं कि अपनी रहमत और रज़ा के घर जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरब में हमें जमा फरमा देना। हज़राते गिरामी ये मस्जिदें ये अल्लाह का नाम बुलंद करने की जगह हैं। यहाँ से अल्लाह का नाम बुलंद होता है अल्लाह अकबर, यहाँ से इस्लाम की दावत बुलंद होती है हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम की दावत है। इसलिए रूए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे महबूब यही जगह हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुलाकात के लिए इन्हीं जगहों को मुंतखब किया है कि जो अल्लाह से मिलना चाहता है वो आए इस मस्जिद के अंदर, और इस मस्जिद के अंदर आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो किसी के पास आता है फिर जिसके पास आया होता है मेज़बान का ये हक होता है कि आने वाले की इज़्ज़त करे, उसका इकराम करे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे मिलने के लिए मेरे घर में आते हैं मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनको इकराम देता हूँ और उनके लिए मैं मेहमानी तैयार करता हूँ, और जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए रिफ़्रेशमेंट तैयार करते हैं, और जो लोग ये मस्जिद बनाते हैं अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में घर बना देता है, और जो लोग इन मस्जिदों को आबाद करते हैं इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाही मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान की गवाही दी है कि अल्लाह पर वही ईमान रखते हैं
انما یعمر مساجد اللہ وہ لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ یہ صفات جن کے اندر ہوتی ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو انسان کو یہ مقام جو ہے سورۃ التوبہ کا اس کو سامنے رکھ کر اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا چاہیے اور مسجد جو ہے اس کے ساتھ جس آدمی کا دل جڑا رہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان سات خوش نصیبوں میں ہے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے رجل قلبہ معلق بالمسجد وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے مسجد اس کے دل میں بستی ہے اور مسجد کی ترقی مسجد کی آبادی مسجد کی بہبود اس کی جو بھی ضروریات ہیں ان کی اس کو فکر رہتی ہے کہ یہ چیزیں اس مسجد کے اندر ہونی چاہیے اور سب سے بڑی جو مسجد کی آبادی ہے وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کی عبادت کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے لیے ہیں یہ مسجدیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو مسجد سے اللہ رب العزت کی توحید کی صدا بلند ہونی چاہیے اور یہ لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو اور ساجی اور شریک نہ بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المساجدہ انما ہی العبادت اللہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں تو ایک تو مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ان کو اللہ کی عبادت سے آباد رکھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کی بنیاد اللہ کی توحید ہے یہاں سے لوگوں کو توحید کا پیغام ملنا چاہیے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ ہوتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے جس عبادت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کی پیروی اور تابعداری نہ ہو وہ عبادت اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوتی اس لیے دوسری چیز جو مسجد سے لوگوں کو ملنی چاہیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ہے اور یہ اللہ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع یہی دین ہے اور یہ مسجدوں کا پیغام ہے کہ لوگ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور اس چیز کے ساتھ یہ مسجدیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بھی بڑا درجہ ہے اور ان کو آباد کرنے والوں کا بھی بڑا درجہ ہے تو اللہ رب العزت اس مسجد کو توحید و سنت کا مرکز بنائے اور علم و ایمان کا مرکز بنائے اور دوسرا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا یہ مقام جو محترم قاری سعید اللہ صاحب آپ کو سنا رہے تھے کہ اللہ نور السماوات والارض اس کائنات کا نور اللہ رب العزت کی ہستی ہے اللہ رب العزت کے ماننے سے ہی اس کائنات کے اندر ہستی وجود ثبات اور زندگی کی رنگینی ہے اگر کوئی اللہ رب العزت کو نہیں مانتا تو تاریکی ہی تاریکی ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو اللہ رب العزت نور ہے اور اس کے ماننے سے انسان کی زندگی میں نور آتا ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کا نور اللہ رب العزت کی محبت کا نور اور اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کا جان کو اللہ رب العزت نے شوق اور جذبہ عطا فرمایا ہے اس نور کی جو مراکز ہیں جہاں سے یہ نور انسانوں کے اندر آتا ہے اور ان کی زندگی کو روشن کرتا ہے یہ اس نور کے مرکز یہ مسجدیں ہیں یہ یہد اللہ لنوری ہی من یشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور فرمایا فی بیوت اذن اللہ یہ نور ملے گا تو ان مسجدوں سے ملے گا یہ مسجدیں اللہ رب العزت کے نور کا محبت ہے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے جو اللہ کا نور ہے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی تعلیم دی جاتی ہے جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا سراج منیر بنا کر بھیجا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہے سراج منیر ہے یہ نور یہاں سے ملتا ہے اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت یہاں سے ملتی ہے تو یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں سے انسان کی زندگی کے اندر نور آتا ہے اور یہ نور یہاں سے لے کر آپ کو اپنے ماحول کو منور کرنا چاہیے اپنے گھر کو منور کرنا چاہیے اور اپنے آس پاس کے جو جگہ ہیں وہاں یہ نور لے کے جانا چاہیے یمشی بھی فی الناس لوگوں کے اندر اس نور کو لے کر آپ چلتے پھرتے نظر آئیں تاکہ یہ نور جو ہے ساری دنیا کے اندر پھیلے تو یہ نور کا مرکز ہے جہاں سے اللہ رب العزت کی معرفت
और अल्लाह की इबादत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महब्बत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का नूर इंसानों की ज़िंदगी के अंदर आता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बारे में हुक्म दिया है, आज़ीन अल्लाहु अन तुरफ़ा, इन मस्जिदों को बुलंद करना चाहिए। ये मस्जिद इंसान की ज़िंदगी के अंदर सबसे ऊँचे मकाम पर होनी चाहिए कि यह अल्लाह का घर है। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाहु अकबर, लहुल किबरियाउ फिस्समावाति वल अर्ध, और इस रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा घर मस्जिद है। प्रेसिडेंसी नहीं, पीएम हाउस नहीं, और कोई अदालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट नहीं, सबसे बड़ा घर वो घर है जो अल्लाह के नाम से मंसूब है। बैतुल्लाह, मस्जिद नबी, मस्जिद अक्सा और उनकी बेटियां जो रुए ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, ये सबसे अजीम जगह हैं, ये सबसे बड़ी जगह हैं। और जो यहाँ आते हैं वही बड़े हैं, और जिन्हें यहाँ आना नसीब नहीं वो पिटकारे हुए और दुत्कारे हुए। जिन्हें अल्लाह की बारगाह में आना नसीब नहीं है वो बेशक बहुत बड़े हों अपनी नज़र में, और लोगों की निगाह में अल्लाह के यहाँ उनकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह के यहाँ उनकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अज़मत देता है अपने घर में आने के लिए, अल्लाह उसको तौफीक देता है। इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमाता है। लिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, तुम लोग जाकर इज़्ज़त ढूंढते हो काफरों के पास, यब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, कि ये तुम्हें इज़्ज़त देंगे। खुदा की कसम इनके लिए जिल्लत मुकद्दर है, और जो इनके कदम चाटते हैं उनके लिए भी दोनों जहान की जिल्लतें मुकद्दर हैं। इज्जत मिलेगी तो अल्लाह के घर में आके मिलेगी, और इज्जत मिलेगी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो अल्लाह के सामने झुकने से मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मस्जिद को बुलंद करने का हुक्म दिया, अज़ीन अल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़्करा फ़ी हस्मुहु, और यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए। युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, यहाँ अल्लाह की तस्बीह करते हैं, उसकी हमद बयान करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं। बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह भी और शाम भी। कौन लोग? रिजालुल्ला तुलहीम तिजारतुं वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, दुनिया के धंधे, उनके बिजनेस, उनके कारोबार, उनकी मसरूफियात, ये उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। ला तुलहीम तिजारतुं वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलात, नमाज से गाफिल नहीं करती। व इक़ामिस्सलात व इताज़्ज़का, और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती। वो अल्लाह का हक मानते हैं इस माल के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, और अपनी ज़िंदगी के औकात में वो ये समझते हैं कि मेरे अल्लाह का हक है कि जब उसके नाम पे पुकार आ जाए तो मैं जाऊं, और ये वक्त मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाके सजदा रेज़ होकर और उसके सामने अपनी बंदगी का नजराना पेश करके इस ज़िंदगी को मैं अपने लिए जायज़ करार दूँ। जिस ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी नहीं है वो ज़िंदगी महरूमी की ज़िंदगी है, बदनसीबी की ज़िंदगी है। सआदत की ज़िंदगी वही है जिस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है, अल्लाह की इबादत है। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मंदगी, ये तो इंसान के लिए शर्म की बात है कि जिस अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है इस ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हिस्सा ही ना हो। तो ये नमाज, ये ज़कात, ये चीज़ें जो लोग करते हैं मस्जिदों में आकर, इन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, लियज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, इन्हें उस दिन का डर है, ततकल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार, जिस दिन दिल अपनी जगह से उछल के यहाँ आ जाएगा और आंखें पलट जाएंगी और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी और सारी तरफ से जवाब हो जाएगा, और अल्लाहु अकबर जो मशीनें लगी हुई है दिल की धड़कन को देखने के लिए, और दूसरी सीटियाँ बोल जाएंगी और इंसान अल्लाह के सामने पेश हो जाएगा। उस दिन से डरते हैं, तकल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार, लियज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़्ली, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला, इन्होंने ज़िंदगी में जो बेहतरीन अमल किए हैं, मस्जिदें बनाई हैं, उन्हें आबाद रखा है, उन मस्जिदों में काम करने वाले, उनको आबाद रखने वालों की इज़्ज़त की है, तकरीम की है, उनको महब्बत दी है, उनको इज़्ज़त दी है, उनका इकराम किया है, ये भी मस्जिद की तकरीम में आता है, ये मस्जिद के रिफ़त में आता है कि इन लोगों की भी इज़्ज़त दी जाए। ये क्या हुआ कि बिल्डिंगों पर तो करोड़ों रुपए लगा देते हो, और जब इन मस्जिद को आबाद करने वालों का नाम आता है तो फिर पूछा जाए कितनी तनख्वाह है तो कहते जी बताते हुए शर्म आती है। कैसे अफसोस की बात है, इनकी इज्जत करनी चाहिए जिनके दम से ये मस्जिदें आबाद हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इन मस्जिदों की खिदमत करने वालों की क्या इज्जत होती थी? एक लावारिस खातून थी,
सांवले से रंग की, उसका कोई ख़ानदान नहीं था, मस्जिद में ही उसका खैमा नसब था, वहीं वो रहती थी और उसका काम क्या था, मस्जिद में झाड़ू देती थी, अल्लाह अकबर, मस्जिद की सफाई करती थी। और ये मस्जिद की सफाई को छोटा काम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनके साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा था कि तहिरा बैती लित्ताइफीन, मेरे घर को पाक रखना, मेरे घर को साफ रखना, अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो वो खातून मस्जिद में सफाई करती थी, फौत हो गई, सहाबा ने बंदोबस्त किया अपने घर की ख़वातीन के साथ और उनका जनाजा पड़ा और दफन कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हमत नहीं दी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं चला कि खातून फौत हो गई। एक दिन नज़र न आई तो पूछा, वो खातून नज़र नहीं आ रही, किधर गई? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो तो फौत हो गई, हमने दफन कर दिया। फरमाया, मुझे बताया क्यों नहीं? चलो मुझे उसकी कब्र पर ले चलो, मैं उसकी कब्र पर जाके जनाजा पढ़ूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर तशरीफ़ ले गए और उसका जनाजा पढ़ा कि वो मस्जिद की खादिमा थी। ये इज़्ज़त थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उसकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर जाके जनाजा पढ़ा और फरमाया, ये कब्रों के अंदर अंधेरा होता है, मैं दुआ करता हूँ, मैं जनाजा पढ़ता हूँ, अल्लाह रोशनी कर देता है, अल्लाह कब्रों को मुनव्वर कर देता है। तो इन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए और इनकी ज़रूरतों को मलहूज़ रखना चाहिए। और हकीकत यह है कि ईमान का तो तकाजा ये है कि आदमी अपने लिए जो पसंद करता है अपने भाई के लिए वही पसंद करे। तो हम जिस तरह खुद रहते हैं, कम अज़ कम ये सोच लिया करें कि हम अगर 100% रहते हैं तो इनको 75% 80% तो वैसा कर लें। लेकिन ये क्या जुल्म है कि हम तो रहें 100% और इनको 10% पे रखें और तवक्को करें कि ये लोग जो है ना इसी तरह करते रहे। नहीं मेरे भाइयों, ये हक़ बनता है इनका और इन मस्जिदों की रिफत का ये तकाजा है कि हम इस चीज़ को मरूज रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद को आबाद रखे और जिन लोगों ने अपनी वालिदा के लिए ये मस्जिद बनाई है, अल्लाह ताला उनकी वालिदा माजिदा को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए और ये बनाने वाले भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इनको भी जन्नत में घर दे। और अपनी औलादों को मस्जिदों से जोड़ो, मस्जिदों में उनको भेजो तालीम देने के लिए। ठीक है आप घर में पढ़ा लेते हैं लेकिन मस्जिद में आके पढ़ने का और अजर है, और अजर है मस्जिद में आके पढ़ने का, आने का, जाने का, यहाँ आकर पढ़ने का बहुत अजर व सवाब है। मस्जिदों में आके बच्चों को पढ़ाएं और यहाँ भेजें, आप साथ आ जाएं, आप भी पढ़ें आके, इनको भी पढ़ाएं। और मस्जिदों के अंदर तालीम के साथ तरबियत का भी एहतमाम होना चाहिए। और तरबियत क्या है कि जो चीज़ नज़र आए दीन की कोताही की, अखलाक में, बोलने में, खड़े होने में, बैठने में या ज़िंदगी के किसी भी मामले में, उसके बारे में बताया जाए कि ये काबिले इस्लाह है, इसकी इस्लाह करो। और हमें तो अगर बताया जाए तो कहते हैं मैंने निशाना बना के गल की, ये मौलवी के हो जाए डर, लोगों ने रोकदा टोकदा रहता है, ये लोगों ने कीड़े काट दें। और मेरे भाई अगर कीड़े नहीं निकलेंगे तो फिर कब्र में कीड़े पड़ेंगे, जाके निकाल लो इनको, यहाँ सीधे हो जाओ, ठीक हो जाओ, मुसलमान मुसलमान का ही ना होता है। इसलिए अगर मस्जिद का माहौल तरबियत का माहौल ना हो, इस्लाह का माहौल ना हो, तो ये अधूरा काम है। मस्जिद में तालीम भी होनी चाहिए, तरबियत भी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन मस्जिदों के माहौल को ज़िंदा करें। और फिर मस्जिद का माहौल, मस्जिद में आए तो माशाल्लाह पाकीज़गी है, फरमा बरदारी है और मस्जिद के अंदर दीनदारी है, दीन का तमस्सुक और इल्तिज़ाम है और शरीयत की हदूद का पास और लिहाज है। और बाहर गए तो सब कुछ ख़त्म नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जुइलत लिल अर्ज़ मस्जिदा, अल्लाह ने मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बनाई है। ये मस्जिद का माहौल यहाँ से लेके पूरी ज़मीन के अंदर इसको आम करो, ऐसी ज़िंदगी गुजारो फरमा बरदारी की, इबादत गुजारी की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की, जैसी मस्जिद में गुजारते हो। दुकान पे भी ताबेदार और फरमा बरदार, घर में भी ताबेदार और फरमा बरदार, अदालत की कुर्सी में भी, पार्लियामेंट में भी, प्रेजिडेंसी के अंदर भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी, जहाँ भी हो अल्लाह का इबादत गुजार, फरमा बरदार और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और पैरोकार बन। जोइलत रियल अर्ज़ु मस्जिद,
رَشْدًا وَطَهُورًا, تو پھر دیکھ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں میں آسمان و زمین سے برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا. یہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ بھیک کی کشکول اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کاش تمہارے کان کھلے ہوں اور تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے. اللہ رب العزت تمہارے کان کھول دے اور اللہ رب العزت اس کے لیے تمہارے سینوں میں جگہ پیدا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بارک اللہ فیکم. دعا کر کے پھر تختی لا دی. دعا تو ہو گئی ہوئی اور کرنی ہے سب. یہ ایسی میں کہنا سی تختی لا لیں. اچھا سب دیر تلاوت کر دے سی واپس آ کے. نہیں قرآن پڑھ دیا جڑا نا نہیں جانا چاہیے, قرآن سننا چاہیے. جو قرآن پڑھیا جائے نا وہ تو سنو, وقت گزارن واسطے قرآن نہ پڑھا گا. اصل دا ٹائم ہو گیا نا سر. تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بڑا ہی مختصر پروگرام تھا اور بہت بڑے جلسے, جتنی گفتگو اور الحمدللہ پند و نصائح ہم نے مشائخ سے سنے. استاذ محترم دعا فرمائیں گے. قاری نوید الحسن لکھوی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. میں استاذ گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو نماز کا بھی چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہے, آپ احباب نے کھانا بھی کھانا ہے, اور جس کو شوگر نہ بھی ہو اس وقت تک تو اس کی بھی شوگر لو ہونے لگ جاتی ہے. ماشاءاللہ 12 بجے سے پہلے کہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, انشاءاللہ اچھی چیز اللہ عطا فرمائیں گے. تو استاد جی دعا فرمائیں گے اور استاد جی کی دعا کے بعد آپ نے ہلنا نہیں, یہیں بیٹھے رہنا انشاءاللہ. بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. یہ سارا محبت والا ماحول بنا ہوا ہے, ڈسپلن اور نظم والا. ہم نے باہر استاد جی سے تختی لگوانی, اس کے افتتاح کی دعا پہلے کر لیتے ہیں تاکہ سارے دعا میں شریک ہو جائیں. وہاں نہ دعا میں شریک نہیں ہو سکیں گے, آواز نہیں سب کو پہنچے گی. تو پھٹی کے فوراً بعد ہی یہ 2-3 منٹ کا پروگرام ہے باہر کا. آپ اب آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ کو کھانا یہیں سرو کیا جائے گا. میں گزارش کروں گا استاد جی کے لیے کہ سب کے لیے دعائیں خیر فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرمائے, ہمارے مشائخ کے ساتھ, ان کے مشائخ, ان کے مشائخ, ان کے مشائخ, ہمارے اساتذہ, ہم سب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اس طرح حوض کوثر پہ اکٹھا فرمائے کہ جس کا پانی ہمیں نصیب ہو تو اس کے بعد کبھی پیاس نہ ہو, اور ایسی مٹھاس اور ایسی شیرینی ہو کہ کبھی نہ چکھی ہو نہ کبھی پیا ہو. اللہ تعالیٰ ہر ملامت سے محفوظ رکھ کے عزت کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. استاد جی کو اللہ سے تو عافیت ایمان والی لمبی زندگی دے. میں استاد جی کے لیے دعا کر سکتا ہوں, آپ سب احباب سے بھی یہ گزارش کر سکتا ہوں. باقی ہم اپنے مشائخانہ ایک دن کا ان کی تعلیم کا پڑھائے ہوئے ایک لفظ کا حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ ہمارے مشائخ کو اسی طرح تابندہ ہو, زندہ ہو, جاوید رکھے. دعا فرماتے ہیں استاذ العلماء سیدی حضرت حافظ مسعود عالم صاحب. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. اے اللہ یہ مسجد کی تعمیر اور اس کے سلسلے میں جو کوششیں کاوشیں ہوئی ہیں انہیں قبول فرما. اس مسجد کو علم و ایمان کا مرکز بنا دے, رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے. اے اللہ توحید و سنت کا مرکز بنا دے. اے اللہ سچی تعلیم اور صحیح تربیت کا مرکز بنا دے, دینی تعلیم اور دینی تربیت کا مرکز بنا دے. یا اللہ جس عزیز نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اسے تعمیر کیا ہے, اللہ ان کے درجے بلند فرما, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, اس کو صدقہ جاریہ قبول فرما. یا اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما,
उनकी औलाद में और उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जिन अहबाब ने भी यहाँ कोशिश की है, जिन्होंने भाग दौड़ की है, अल्लाह इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमा, सेहत ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, तेरे घर में जो मेहमान बैठे हुए हैं, या अल्लाह तेरे घर में तेरे मेहमान हैं, या अल्लाह जो भी हास मुराद लेके बैठे हैं, हाजत ज़रूरत लेके बैठे हैं, तू जानता है अल्लाह, सब की हाजतें ज़रूरतें पूरी फरमा। अल्लाह आसें मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे। हमारी ज़िंदगी में कुताहियों के सिवा कुछ नहीं, अल्लाह गुनाहों के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार और तेरी बख्शिश के उम्मीदवार हैं। अल्लाह तेरी रहमत मांगते हैं और तेरी बख्शिश के तलबगार हैं। या अल्लाह अपनी रहमत और बख्शिश से नवाज दे। या अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अगले पिछले छोटे बड़े खुले छुपे सारे ही बख्श दे। अल्लाह हमें भी बख्श दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे। अल्लाह हमारे अहलो याल और बीवी बच्चों को भी बख्श दे। अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वालों को भी बख्श दे। अल्लाह जो हमारे भाई फौत हो गए, अहले इल्म फौत हो गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जे बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह हमारे असातिज़ा की बख्शिश फरमा, हमारे मोहसिनीन की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह, जुमे का दिन है आज, इस मस्जिद में पहला जुमा हुआ है। या अल्लाह तेरे बंदे यहाँ आए हुए हैं। या अल्लाह तू नेकी के इज्तिमा के अंदर की गई दुआओं को कबूल फरमाता है। या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह इस मरकज़ को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसको सदका जारिया बना दे, बनाने वालों के लिए और तमाम कोशिश करने वालों के लिए। या अल्लाह हमें अपने बंदों में शामिल फरमा दे। या अल्लाह अपने बंदों में शामिल फरमा ले। या अल्लाह अपने बंदों में शामिल फरमा ले। या अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, दीन से तमस्सुक नसीब फरमा, दीन का इल्तिज़ाम नसीब फरमा, सुन्नत से मोहब्बत नसीब फरमा, सुन्नत पे जीना और सुन्नत पे मरना नसीब फरमा। या अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अर्ज़ा फरमा। या अल्लाह, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے اللہ قبول فرما اے اللہ برکت فرما اے اللہ علم و ایمان کا مرکز بنا دے رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے اللہ امت کی اصلاح کا مرکز بنا دے یا اللہ اپنی معرفت کے نور کو پھیلانے کا مرکز بنا دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے نور کو پھیلانے کا مرکز بنا دے اے اللہ اس کو نور کا عظیم مرکز بنا دے ہدایت کا مرکز بنا دے دین کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دے امت کی اصلاح و ہدایت کا مرکز بنا دے اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی عبدی و رسولی محمد وعلی آلی وصحابی اجمعین آمین یا رب العالمین رحمت